41/23 अपराध क्रमांक कहां दर्ज है हमारी FIR? ये 15 दिवस का समय लिए हैं सर। ठीक है, मैं 15 दिवस यहीं बैठा रहता हूं, करें निराकरण जो मर्जी सो करे। हाँ ठीक, नहीं सुना, ठीक है। तुम्हारा नेता मांगा था कि कॉपी दी जाए तो ले आके दे दिए हमको, तो सर वर्दी से 15 दिन का समय है, 15 दिन हम यहीं बैठे रहते हैं, करें हम बकवास नहीं कर रहे हैं। 1.5-2 साल से जब से यहाँ कलेक्टर SP बैठने लगे तब से मैं लगातार दे रहा हूँ, एक ज्ञापन बता रहा हूँ, पूरी घटना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 15 दिवस में कैसे हो जाए? हमने सर जहाँ जहाँ हमने शिकायत भेजी हर जगह से मेरे पास पत्र आते थे, चाहे DGP को हो, SP को हो, हर जगह से पत्र रिटर्न आते थे कितने दिन में कार्रवाई हो जाएगी, आज तक कहाँ हुआ? अभी मानवाधिकार से आया, राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला आयोग अध्यक्ष से आ रहा है, यही SP के लिए लिखा गया है कि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, कहाँ कुछ हो रहा है? जब कोई चीज का चलान पेश हो चुका है तो प्रक्रिया वो हो रही है। तो 15 दिन बाद तो 20 दिन, आज के दिनांक के सर 20 दिन बाद हम लोग बगैर कि आज ही सूचना मान ली जाए कि कल से 20 दिन के बाद मीडिया के माध्यम के सबूत रहेंगे कि बगैर किसी सूचना के हम लोग बैठ जाएंगे। सर अनशन स्थल में आए हुए थे, अनशन समाप्त करवाया गया है आपके द्वारा, क्या कहना? अनशन पे बैठे हुए थे 2 दिन से, और जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें जो भी बिंदु हैं उस पर लगभग सभी बिंदुओं पे कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस के जो बिंदु थे उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है, और जो दूसरे बिंदु थे कुछ बिजली विभाग के थे, राजस्व के थे और भी थे, इन सब पे कार्रवाई शुरू हो गई है, और जल्दी इस पर हम जो भी कमियां हैं या जो इसमें सुधार हो सकता है वो हम लोग प्रयास। सर कितने दिनों का टाइम दिया गया है निराकरण के लिए? नहीं देखिए, दिन का कोई ऐसा नहीं है, लगातार कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, आगे पीछे होता रहता है, कोई कट शॉर्ट ऐसा कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं होता, पर जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि सबका तेजी से कार्रवाई हो। टीवी में सवाल बेहद बड़ी तस्वीरों के साथ में उपस्थित हूँ। बात करूँ मऊगंज जिला बने लगभग 2 वर्ष से ज्यादा हो जाता है, लेकिन इतिहास का एक कहीं कहीं पहला बार ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि कोई ऐसा भी इंसान आया जो लगातार माना जाता है, लगातार जाना जाता है अमरण अनशन के लिए। अमरण अनशन के बाद में कई कीर्तियां, कई उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है। बात करूँ अगर इस नाम का जिक्र होता है तो लगभग चेहरा देखेंगे कुंज बिहारी तिवारी। कई ऐसे मामले होते हैं जो मऊगंज नहीं, कई अन्य जगहों के लगातार जब भी कोई सुनवाई होती नहीं है तो अमरण अनशन के रूप में लगातार प्रशासन के साथ में सरकार तक बात पहुंचाने का अपना लगातार काम करते हैं, और कहीं कहीं अंतिम बार कहीं जीत भी उनके पास मिलती है। लेकिन यहाँ पर मऊगंज में लगभग बीते रात 3रा दिन चल रहा था अमरण अनशन, और अमरण अनशन के दौरान में ही बड़े जो आला अधिकारी होते हैं जो कभी उस मामले पर कभी गंभीरता नहीं बरतते हैं वो आकर के लिखित तौर पर आश्वासन देते हैं, और इसके बाद में भी ये बोल के जाते हैं कि अगर आप ये मारी अगर 15 दिन में अगर पूरी होती नहीं है तो लगभग आप 15 दिन बाद पुनः बैठ सकते हैं। देखेंगे वही चेहरा लगातार जाना जाता है नईगढ़ी अगस्त क्रांति मंच संयोजक, और साथ में ही कुंज बिहारी तिवारी तो नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी के स्वामी जी भी हैं, लगातार जाने जाते हैं अमरण अनशन के लिए। सर इस बार अनशन का अनुभव कैसा रहा, और कितने दिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी? आपके सवाल से पहले तो आप सबका धन्यवाद, और जब जब जीत हुई है तो संघ की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की, और मीडिया का जो चौथा संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी जीत हुई है। जिस तरह से आप सबने मीडिया के साथियों ने पीड़ितों की आवाज़ को निरंतर 24 घंटे बगैर थके बगैर रुके, हमने देखा है कि कल 4 बजे जब यहाँ से ले जाया गया हॉस्पिटल तब भी मीडिया के साथी वहाँ पे खड़े रहे। इसका मतलब एक तरफ मंच पे अमरण अनशन चल रहा था, एक तरफ मीडिया के साथी भी बाहर अमरण अनशन की तरह ही लगे थे। ये हमारी 19 सूत्री मांगें थी, और सारी बहुत ही विभत्स मांगें थी। सुखवरिया गुप्ता जी के बारे में आप लोगों ने भी कवर किया, आज तक न्याय नहीं मिला, कोर्ट से उस केस को भी ओपन करा दिया गया है, हमारी मांग थी तो वो क्लोजर हो गया था, उसका चलान पेश हो गया था, तो कोर्ट से परमिशन लेके ओपन हो गया है। ये बड़ी उपलब्धि अमरण अनशन की। इसमें मुद्रिका कौल जी जिनकी हत्या हुई, आप देख रहे हैं कि उनकी एक बच्ची
दसवीं पढ़ रही है तो पढ़ाई छोड़ के बैठी है, उनके घर के चार चार लोग बैठे हैं, गिड़रा में जो हत्या हुई अशोक कोल की वो बैठे हैं, चाहे शिक्षा की समस्या हो चाहे पानी की हो, इनके साथ साथ वो भी थी जो कलेक्ट्रेट कलेक्टर साहब से संबंधित थी, उनमें आप सब ने देखा है कि लिखित उन्होंने दिया है, एक एक शिकायत का एक एक पत्र, सामूहिक नहीं है, और जो पुलिस से संबंधित उसको भी उन्होंने दिया है। आपके माध्यम से मैं एक आज निवेदन जनता से करना चाहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कितना भी क्रूर शासक हो लेकिन जनता जब खड़ी हो जाती है तो उसको झुकना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि रोना छोड़ दीजिए, और लाठी से लड़ाई अगर लड़ी जाती तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ना होते, लड़ाई संविधान के दायरे में ही लड़ी जाएगी। और हम जो अमरण अनशन कर रहे थे भारत के मौलिक अधिकारों में अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बात रखने के लिए, आर्टिकल 19(1)(a), (19)(1)(b) और 22 जो हमें संविधान से अधिकार मिले थे उसका उपयोग करके, जीत तभी होगी जब हम संविधान के दायरे में रह के लड़ाई करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा दूं, लगभग जो 19 मांगे थी, 19 मांगों की तस्वीरें हैं, पिछले आपने वीडियो में भी देखा होगा, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे और बाकी डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे पीछे भी लगा हुआ है। लेकिन लगातार कीर्तिमान जो अमरण अनशन के लिए लगातार जाने जाते हैं, अन्य जितने भी अमरण अनशन आपके रहे हों, लगभग 90% कहने के आपने सफलता हासिल की है, इस बार क्या कुछ अनुभव रहा है? नया मऊगंज जिला पहली बार अमरण अनशन का इतिहास, और इसके बाद में तीसरे दिन ही आपका अमरण अनशन तोड़वा दिया जाता है। इस बार के अनशन में जो कर्मचारी अधिकारी थे उनमें जिनमें संवेदना थी वो भी दुखी थे, वो भी समझ रहे थे कि जो लोग बैठे हैं नाजायज नहीं बैठे। उन पहली बार इस अनशन में दिख रहा था कि प्रशासन के भी बहुत सारे जिम्मेवार लोग दुखी थे। सुपरिया गुप्ता जी के बारे में नाम नहीं लूंगा, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ये असंभव है कि एक नाबालिग करे। मुद्रिका कोल की बच्ची को देख के एक वरिष्ठ अधिकारी की आंखों में आंसू आ गया कि जिस बेटी को स्कूल होना चाहिए। अशोक कोल की हत्या हो, नरेंद्र मिश्रा की शिखा के बारे में सबको कष्ट है, मीडिया के साथियों ने जिस तरह से दिखाया। तो जो इस बार का अनशन था पहले एक बिंदु दो बिंदु को लेके होता था, इस बार बिंदु 19 थे और लड़ाई लगा था कि इस बार लंबी चलेगी, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई, मीडिया के साथियों की जीत हुई है, ये अनशनकारियों भर की जीत नहीं है, मीडिया ने यहाँ अपनी ताकत दिखाई है। जो मीडिया को कमतर मानते थे उनको समझ में आ गया होगा कि अगर मीडिया अपना सही काम करने लगे तो लोकतंत्र जब सही काम करने लगेगा तो परिणाम आएगा। इसी तरह से लोकतंत्र का अहम हिस्सा मीडिया है, तो मीडिया की ताकत की भी जीत हुई है। आर्टिकल 19 का उपयोग करते हैं, 19 मांगे होती है, 19 भी जो भी मांगे होती है बड़ी विभस्त होती है। तस्वीर बता दूं आपको, ये देख पा रहे होंगे, ये लगभग अपने देश की राजधानी में एक बड़ी घटना होती है निर्भया, शायद जब नाम सुनते होंगे तो एक दिल सा जो होता है दिल सहम जाता है। इनकी तस्वीरें आपने कई बार देखी होगी, इनकी पीड़ा कई बार देखी होगी, लेकिन हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि अब क्या कुछ उम्मीदें जगी है, क्या कुछ उम्मीदें जगी है? जिस तरीके से जूस पिलाया जा रहा था, बड़े खुशियों का जो एक अंबार था वो आंखों में देखा जा रहा था, क्या कुछ ऐसी उम्मीदें थी जिसकी वजह से आप लोगों ने जूस भी पिया और खुशियाँ भी अपनी जाहिर की है? प्रशासन द्वारा ये अब तो लिखित दे दिया गया है कि जो कि असंभव चीज़ होता था वो केस को रीओपन करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा परमिशन दे दिया गया है। तो अब 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन में इसमें कार्रवाई सही तरीके से, मुख्य सही आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई सही नहीं होती है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर हम 5 दिन और समय देते हैं, 5 दिन 20 दिन बाद फिर सम बैठ जाएंगे। और जिस तरह से हम प्रण ले चुके थे कि आप यहाँ जितने सबको अपने हमने बताया भी वरिष्ठ अधिकारियों से कि माँ माँ होती है और सबकी माँ एक ही होती है, एक ही रास्ते से सब पैदा होता है, और उस माँ के साथ इतना बड़ा कृत्य हुआ और ऐसे दलाल जो इतने बड़े कृत्य के दलाली पैसा ले लिए, उनको शर्म नहीं आती तो फिर ऐसे हत्या करके पैसे बटोरते रहें। तो चलिए, इनकी वीडियो जो फुल वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन में देखना देख पाएंगे, लेकिन एक और चेहरा कहीं ना कहीं से कहाँ गए, नरेंद्र मिश्रा जी, एक और चेहरा लगभग पूरे देश में इनकी जिक्र होती है, और जिक्र के साथ में ही आज वर्तमान परिस्थितियों में इनको पगड़ी बांधना पड़ रहा है, आप देख भी सकते हैं, हालांकि जिस वक्त आपको कैप्चर किया गया था उस वक्त ही पगड़ी बांधे थे। हाँ, पगड़ी थी।
तो ये आपकी जो सिखा थी वो कैसे प्रशासन को दिख गई? नहीं, पगड़ी खोल के वहाँ पे बैठे थे ना, जैसे मान लीजिए हवा हाँ करना, अब कुछ हेन टेन करना, सब कुछ होता है। वीडियो में बड़ा जिक्र हुआ, बड़ा चर्चा हुई कि केवल प्रशासन को अपने अधीनस्थ करने के लिए यानी दबाव डालने के लिए आपने सिखा खुद उखाड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो विनीत द्विवेदी नाम है क्या, पुलिस वाला खुद ही सबूत में है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। तो आपकी रिकॉर्डिंग में क्या कहा जा रहा है? रिकॉर्डिंग में माफ़ी मांगा जा रहा है, बोला जा रहा है कि माफ़ कर दो गुरु। और फिर अगर मैं आपके ऊपर पुलिस जो है चिढ़ जाती है? मेरे ऊपर कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा कि जो एक्सीडेंट किए थे वो ठाकुर लोग हैं, दादा लोग, वो करवाए हैं। तो क्यों करवाए आप, क्या उसमें हमें योगदान था? वहाँ खड़ा हो गए इसके वजह से। तो अभी कई हजारों लोग खड़े थे ना? हाँ, हजारों लोग खड़े। तो आप बस वो टारगेट क्यों किया गया? मैं थोड़ा ज्यादा था ना उनके पक्ष में, वो साकेत लोगों के पक्ष में ज्यादा था कि इनको न्याय मिलना चाहिए, और कोई बोलने वाले थे नहीं, इसलिए मेरे करवाया गया। बीच में एक और तस्वीर वायरल होती है जो कहीं प्रशासनिक द्वारा एक आर्डर होता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी तरह से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। कमरे में आपका मेडिकल होता है, डॉक्टर जो करने वाले हैं उसमें क्या सत्यता है? मेडिकल हुआ ही नहीं है आज तक मेरा, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, सब फर्जी है। तो क्या कुछ आश्वासन मिला आप भी यहाँ मरणसन पर बैठे? हाँ, 3 दिन का टाइम दिए हैं, 3 दिन के बाद देखिए गुरुजी बताएंगे। नहीं तो क्या सिखा लगवाने की कार्रवाई करने की? कार्रवाई करेंगे, सिखा आप क्या लगवाएंगे, सिखा तो चली गई तो चली गई, अब सबका सर्वनाश होगा, न्याय नहीं मिलेगा तो अब तो हम तो चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जाएंगे बम्बई, पूना जाएंगे, कहीं भी जाएंगे गाड़ी चला। तो दूसरी बार रामण अनशन कैसे हो पाएगा? आएंगे ना, हमारी नौकरी कोई परमानेंट थोड़ी है एक जगह की, पूरे भारत। इसमें कौन कौन लोग दोषी थे, कुछ आपको आइडिया लगा कौन कौन लोग दोषी थे? दोषी हैं राहुल सिंह, विवेकानंद यादव, बीसी विश्वास, छोटे खान, सोनू खान, 5 आदमी हैं। तो आपने इन लोगों के ऊपर FIR करने की डिमांड पर यहाँ पर बैठे? हाँ, FIR वो कर देंगे, क्या बोले हैं? बोले तो हैं, अब देखिए क्या करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, लिख के तो दिए हैं। तो चलिए, वही नरेंद्र जी हैं जो कहीं ना कहीं से आपने देखा होगा तस्वीरों पे, काफ़ी चर्चाओं के गलियारों में ये थे, और इनकी सिखा उखाड़ी गई लगातार, कई जो संगठनों ने इनके पक्ष में आकर के रोडों पर भी खड़े हो गए, लेकिन इसके बाद भी कोई भी कार्रवाई सकारात्मक तौर पर होती नहीं है। जांच की बात होती है, RTI की रिपोर्ट आती है, RTI की रिपोर्ट में तस्वीरें जो होती है तो बहुत एक हास्यात्मक होती है। लेकिन अगर तीसरा एक और मामला आपको बताऊं, आपने एक देखा होगा एक बड़ा विभत्स तस्वीर जो कहीं ना कहीं मैं भी दिखाया था, वो भी डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे, और ये है मुद्रिका जो आदिवासी होते हैं उनके परिजन हैं, और लगभग बरसों बीत जाते हैं भैया जी, 1.5 साल बीत गए। क्या नाम है? हमारा भूपेन नाम है, और हमारे चाचा का मुदिका प्रसाद नाम था जी। 1.5 साल पहले उनकी हत्या हो गई थी। आपकी फाइल कौन सी गड्ढे में गिर गई, कुछ पता है? पता ही नहीं चली वहाँ पता किस गड्ढे में। जांच कमेटी कभी आई आपके पास? अभी नहीं। क्या कुछ आश्वासन मिला यहाँ पर जिस तरीके से? आश्वासन आज हो गया, अधिकारी लोग आए थे और बोले कि 15-20 दिन के अंदर। तो क्या यानी मौखिक तौर पर रहा कि कुछ और इसके बाद? लिखित पत्र दिए हैं SP मैडम, बोले हैं कि SDOP जो बैठते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा श्रेय इसमें जी, कहीं ना कहीं सालों बीत जाता है, हिम्मत जुटाने में सालों बीत जाते हैं, कैसे इतनी बड़ी हिम्मत आती है आपके अंदर यहाँ मरण संकल्प करने की? मतलब कि अब हद से ज्यादा, और हम तो उम्मीदें छोड़ दिए थे, लेकिन एक आदमी अपने आप ही वहाँ से, मतलब उनके तरफ से आया हमारे पास, और अपने आप वो आदमी बोला कि हम चश्मदीक गवाह, मैंने चश्मदीक हम देखे हैं, वो हमसे बोला। कौन था? वो सुरेश केवट नाम का एक व्यक्ति है उधर का, वो आकर बोला, तो हमको उम्मीद जगी। हमारे पास उसके पास एविडेंस नहीं था उस समय, हम मोबाइल नहीं लिए थे। फिर जब हम सोचे कि मतलब वो आदमी बोलकर चला जा रहा है, तो हमारे पास एविडेंस नहीं मिल पाएगा, फिर उसको हम पुनः फ़ोन किए, और फ़ोन में जो हमारे सामने आकर बात बोला था उसको हम दोबारा फ़ोन में फिर कैद किए उसकी आवाज़, और वो आवाज़ लेकर यहाँ हम। अच्छा, ये आमरण अनशन जो है 1 साल बात करना पड़ता है जी आपको, यानी कहीं कहीं से अंदर से कैसे जिज्ञासा आती है, कैसे हिम्मत आती है? हिम्मत, अब कहने का मतलब कि जब
हम सारी उम्मीद खो चुके थे। तो अब धीरे धीरे मतलब जब ऐसा हमको लगा कि मतलब नया जिला नया कलेक्टर साहब नया एसपी साहब आए हैं, तो इस तरीके से हम भैया जी के माध्यम से, कौन भैया जी, कुंजी बिहारी भैया जी, उनके माध्यम से, और हमारे पास तो औकात नहीं कि हम अकेले कुछ कर सकते हैं। नहीं, लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कुंजी बिहारी द्वारा आप लोग का उपयोग किया जा रहा है, नहीं ये गलत, पॉपुलर होने के लिए। नहीं नहीं, गलत बात है, कभी नहीं, ये गलत बात है, कभी पॉपुलर होने के लिए भैया जी ऐसा बात कदम ही नहीं उठाए। तो गरीबों के हमदर्द हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से कितने यहाँ पीड़ित हैं, तीन लोग तो यहाँ पर मिले, और बाकी पीड़ित कहाँ हैं, जिस तरीके से 19 मांगे जो होती है हैं ना, ये सब तो छिलपुर तस्वीरें है ये नवीन मऊगंज जिले की, और नवीन मऊगंज जिले में पहला इतिहास में ये एक धरना होता है, आमरण अनशन होता है, ये पहली बार होता है जो इतिहास के पन्नों में लगभग लिखा जाएगा। और कुल मिलाकर तीसरे ही दिन पूरी तरह से 19 मांगे होते हैं, 19 मांगों में 19 मांगों का अलग अलग लिखित तौर पर निराकरण होता है। वरिष्ठ आला अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर हम आमरण अनशन में जो मांगे होती हैं उन पर लगातार अमल करेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होगी क्या नहीं, वो तो आने वाले 15 दिन में ही देखने को मिल सकता है। क्या पहले जिस तरीके से वादे किए गए और टूट गए वादे, क्या उसी तरीके से रहेंगे, या फिर जिस तरीके से ये जो पीड़ित हैं इन पीड़ितों की जो उम्मीदें आज जगी है, क्या उम्मीदें लगातार बरकरार रहेगी। चलिए बने रहे पीड़ित साथ, हम लेते हैं विदा, पुनः ऐसी तस्वीरों के साथ उपस्थित होगा। आर्य बहुत बहुत धन्यवाद।